अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। कूलिंग पॉइंट में स्वागत है। पेट्रा का एयर कंडीशन है जिसमें नॉट कूलिंग का कंप्लेन है। ट्रबल शूट करेंगे अभी, अनुप चेक नहीं किए हैं स्योरली इसको क्या प्रॉब्लम है। जस्ट डायरेक्ट अभी आते साथ वीडियो को ऑन किए हैं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। मेरे साथ जयराज, मिस्टर जयराज, वेरी बिग एक्सपीरियंस फॉरमैन, ऑलवेज वर्क विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं क्या कंप्लेन है। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ओ गॉड, यहाँ देखिए, यहाँ फिलहाल फाइन मूड में कोई करके रखा हुआ, लेकिन नॉट कूलिंग का प्रॉब्लम है। रात में कोई टेक्नीशियन आया था नेट सी बोला, इसे फाइन मूड में किया हुआ, हो सके इसका कंप्रेसर उम्प्रेसर का या ऑन नहीं हो, इसका वजह से फाइन मूड में किया हो। तो हम चले, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोसेस क्या है, हम इसको मूड को चेंज करेंगे। डू इट, ड्राई मूड, कूल मूड, उसके बाद टेम्परेचर को ऑन, और टेम्परेचर पूरा डाउन, कंप्रेसर मेरा ऑन हो चुका है। हम लोग लगाएंगे गेज और चेक करेंगे इसका एम्पियर प्रॉपर है कि नहीं, गैस है कि नहीं एयर कंडीशन में, या हो सके गलती से वो फाइन मूड में करके चल गया था, दोनों ही प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो ये नूट कॉलिंग का ही है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अभी इसको काम करके दिखाएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग गेज को हम लोग लगा लेते हैं सेक्शन डिस्चार्ज में, या फिर दोनों, दो कंप्रेसर है टू स्टेज का, तो दोनों में हम लोग लगाएंगे, दोनों का सेक्शन में लगा के देखते हैं, ठीक है। हाई साइड को, लो साइड को भी दोनों हम लोग सेक्शन साइड में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग गेज है, दोनों का दोनों कंप्रेसर ऑन हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग गेज को लगाते हैं, रेड वाला जो है अभी हम लोग उल्टा होस लगा हुआ, रेड वाला येलो में लगा हुआ, यहाँ पर अभी सेक्शन साइड में लगा रहे हैं। तो इसका जो प्रेशर है ये 50 PSI है, मतलब कंप्रेसर कितना है ला? कंप्रेसर सॉरी, ये हीट का वजह से पूरा उखड़ चुका है, ये कंप्रेसर 1 है, ठीक है। अभी हम लोग कंप्रेसर टू का देखिए, ये लगे से अभी हम लोग कंप्रेसर टू का मैं लगाते हैं। कंप्रेसर 200 बता रहा, मतलब अभी ऑन नहीं हुआ, इसमें गैस कम है, या तो ये सिस्टम लीकेज है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इसको हम चलने देते हैं। कंप्रेसर 2 यहाँ पर दिख रहा सिंबल आते हुए, ओ माय गॉड, इधर देखिए ये कॉन्ट्रैक्टर का कोयल का यहाँ पे निकला हुआ है, ठीक है ना। इसका वजह से यहाँ पर देखिए, मालूम कैसे चला, मालूम चला कि ये डिस्प्ले में जो है कंप्रेसर 1 कंप्रेसर 2 दोनों दिख रहा ऑन, मतलब कि दोनों में कमांड जा चुका है, डिस्प्ले में शो कर दोनों कंप्रेसर चल रहा। लेकिन क्या हुआ, रात में जो चेक करने आया है वो फाइन मोड में गलती से उससे हो गया है। और दूसरा है कि एक कंप्रेसर में इसको ऑन कर सकते थे, चलने दे सकते थे, ठीक है। अभी देखिए इसका जो है, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर का कोयल है, जो निकला हुआ वायर जो दिख रहा है आपको, वायर जो दिख रहा है ये निकला हुआ है। अभी इसको यहाँ लगाएंगे, उसके बाद हम दोनों का गैस चेक करेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो इतना तो समझ में आई कि एक सिस्टम जो हमारा लीकेज है, इसका वजह से नॉट कूलिंग का मसला था। दूसरा बात है थर्मोस्टेट का, मे भी ड्रा इसमें फाइन मूड में किया हुआ, इसकी वजह से क्या हुआ, कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं हो रहा था। तो अभी देखिए, अब नॉट कूलिंग का जब भी प्रॉब्लम आता है तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्रेसर नहीं चल रहा है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले हम लोग ऑन करेंगे रिमोट को, देखेंगे थर्मोस्टेट को कौन सा मूड में, अगर फाइन कूल मूड के अलावा अगर फाइन मूड हुआ तो भी कंप्रेसर हमारा ऑन नहीं होगा और हमारा एयर कंडीशनर है जो वो कूल नहीं करेगा, नंबर 1 हो गया। अगर मूड मेरा ठीक है, कूल मूड में है फिर भी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कंप्रेसर का जो है गैस अगर बराबर है फिर भी हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो हम लोग चेक करेंगे कोयल वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। कोयल वोल्टेज अगर मेरा आ रहा है, ठीक है, कोयल वोल्टेज आ रहा है फिर भी कॉन्ट्रैक्टर नजायज नहीं हो रहा है, तो फिर मतलब कॉन्ट्रैक्टर ख़राब है, कॉन्ट्रैक्टर को चेंज करेंगे। अगर मान लीजिए कोयल वोल्टेज नहीं आ रहा है, तो फिर हम लोग इसका सेफ्टी डिवाइस जो होता है LPHP, उसको हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो बना दे रहे हैं ताकि आपको समझना आसानी हो। नॉट कूलिंग का मसला होता, मतलब ब्लोअर चल रहा बाकी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, उसका लेके तो हम लोग क्या चेक करेंगे, गैस चेक करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का वोल्टेज चेक करेंगे, मूड चेक करेंगे, अगर वोल्टेज आ रहा कॉन्ट्रैक्टर का, उसके बाद भी हमारा जैसे कॉन्ट्रैक्टर का वोल्टेज यहाँ पर आ रहा, देखिए वायर निकला हुआ है, ठीक है, चालू लाइन है, इसका वजह से हम दूर से दिखा रहे, ठीक है। ये जो निकला हुआ है ये वायर निकला हुआ कॉन्ट्रैक्टर कोयल का, तो क्या यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का कोयल यहाँ शो कर रहा है 1 और 2 दोनों में हमारा जा रहा डिमांड, पर यहाँ पर क्या है एक का लगा हुआ दोनों कोयल का इसमें नहीं लगा, मतलब कंप्रेसर एनर्जाइज नहीं हो रहा है, एनर्जाइज नहीं हो रहा तो काहे नहीं हो रहा, काहे कि यहाँ कंप्रेसर का जो कॉन्ट्रैक्टर का कोयल का वोल्टेज है निकला हुआ है, इसको लगा देंगे कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा, उसके बाद हो सके LP में कटअप हो या HP में कटअप हो, गैस नहीं है तो LP में कटअप होगा, LP मतलब लो प्रेशर स्विच जो होता है वो एक्टिव हो जाएगा, तो कटअप हो जाएगा लो प्रेशर से। तो यही है, थोड़ा सा 3-4 स्टेप चेक करना है नॉट कूलिंग में। नंबर 1 मूड चेक करेंगे, मूड अगर नहीं है, मूड फाइन मूड में तो भी कंप्रेसर ऑन नहीं होगा, फिर उसको मूड को यहाँ से चेंज कर देंगे, कूल मूड में रखेंगे, देखिए तो उसके बाद कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा। उसके बाद फिर भी कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, तो हम लोग LPHP स्विच को चेक करेंगे, फिर भी अगर वो सब ठीक है उसके बाद हम लोग गैस को चेक करेंगे, गैस अगर प्रॉपर है उसके बाद हम लोग सप्लाई यहाँ पर चेक करेंगे। जैसे किसी किसी में होता है 220
वोल्ट होता है, किसी किसी में होता है 24 वोल्ट होता है कोयल का। अगर मान लीजिए दोनों में कोयल में 24 वोल्ट आ रहा है फिर भी कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो मतलब है कि हमारा कॉन्ट्रैक्टर खराब है। अगर मान लीजिए अगर वोल्टेज नहीं आ रहा 220 या 24 वोल्ट जो हमारा कंट्रोल का सप्लाई वोल्टेज है, अगर वो नहीं आ रहा है तो उसका क्या करेंगे, LPHP स्विच का प्रॉब्लम होगा, जितना सेफ्टी डिवाइस होता है उसका हम चेक करेंगे, ठीक है। अगर वो सब प्रॉपर है तो कंप्रेसर हमारा ऑन हो जाएगा, प्रॉपर चलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आगे का जो स्टेप कंप्रेसर ट्रिप होने का फुल वीडियो अपलोड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बता रहे हैं न्यू टेक्निशियन के लिए कैसे प्रॉब्लम का ट्रेस आउट करते हैं, नॉट कूलिंग का में, मतलब कंप्रेसर नहीं चल रहा है, इसका हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बताएं। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को फिर से नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। पहला हम लोग इसको चेक करेंगे थर्मोस्टेट का मूड, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर कोयल वोल्टेज चेक करेंगे, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर चेक करेंगे, गैस चेक करेंगे, सेफ्टी डिवाइस चेक करेंगे, इतना में से सब कुछ किसी ना किसी एक में फोल्ड होगा, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, चलना शुरू हो जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगता तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, फिर इंशाल्लाह एक नया टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है यूट्यूब से क्लियर ट्रेस आउट कैसे करते हैं, फिर अगर अच्छे टेक्नीशियन है काम आपको मालूम है तो मेरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं है, क्योंकि हर काम करने का तरीका अलग अलग होता है। देख रहे हैं यहाँ पे सिस्टम लीक है, जैसे कि हम बता रहे हैं ना सिस्टम लीक है, देखिए ये दिख रहा है, ये पूरा ऑयल आया हुआ, इसका वजह से कंप्रेसर ट्रिप हो जा रहा है। तो इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व कर लेंगे, फिर एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। नॉट कूलिंग का मसला प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हम लोग लीक ढूंढ के लीक रिपेयर करके वैक्यूम करके गैस चार्ज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो सेम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो आप आराम से आपकी कंप्लेन को इजीली ट्रेस आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको एयर कंडीशन को बंद कर देते हैं, बंद करने के लिए सबसे पहले हम थर्मोस्टेट में जाएंगे, थर्मोस्टेट बंद, CCB बंद, CCB बंद करने के बाद मेन सर्किट बंद करने के बाद हम लोग चेक करेंगे इधर का। तो ये नॉट कूलिंग का मसला जो था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह, कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। इसको हम लोग ओपन करेंगे, हाँ मुश्किल नहीं है, फ्लश करके लीक ढूंढ के कर दिया जाएगा, कोई मसला नहीं। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऑयल ऑयल आया हुआ है, यहाँ कहीं से लीक हो चुका है, इसको नहीं, वो लीक नहीं, देखिए इधर पूरा का पूरा ऑयल आया हुआ लीक है। तो चलिए इंशाल्लाह फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेगा। डबल स्टेज कंप्रेसर था, फिर एक नया वीडियो। सेफ्टी स्विच देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हमारा LP स्विच है, ठीक है, और आगे जो लगा हुआ HP स्विच है। तो ऐसी ट्रेस आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। इंशाल्लाह फिर एक नया वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। टोटल वीडियो बहुत सारा अपलोड है, प्रैक्टिकल वीडियो, अब वहाँ से आके ट्रेस आउट करना, कंप्रेसर ट्रिप होना, कंडेंसर चेंज करना, टोटल A to Z बहुत सारे वीडियो अपलोड है। न्यू टेक्निशियन तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो प्रैक्टिकल वीडियो अपलोड। इंशाल्लाह फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।